नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला बुलेटिन का। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। नागल चौधरी के स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने शहर के वार्ड नंबर 8 में प्रजापति कुमार सभा की चौपाल का शिलान्यास किया। चौपाल करीब 23,65,000 की लागत से बनकर तैयार होगी। चौपाल में जनसमूह को संबोधित किया गया। विधायक के शहर में पहुंचने पर सभी को एकजुट रहने की बात कही, जिनका बैंड बाजे और फूलमालाओं से स्वागत भी किया गया। प्रजापत समाज की तरफ से अखिल भारतीय प्रजापत समाज के उप प्रधान ने विधायक को समाज की तरफ से पगड़ी भेंट की। देखिए, आज प्रजापति समाज के लिए हमने एक भवन का शिलान्यास किया है और 23,65,000 रुपए इस पे लागत आएगी और अभी अगले कुछ दिन में काम शुरू हो जाएगा। अगले 5-6 महीने में बनके तैयार हो जाएगा और समाज को यहाँ सामाजिक कार्यों के लिए सहूलत मिलेगी और सारा समाज संगठित होकर बड़ा बढ़िया काम कर रहा है। और वैसे भी नांगल चौधरी का सारा जो शहर है नांगल चौधरी, इसमें आपस में बड़ा भाईचारा है। आपस में सभी मिल के रहते हैं, सभी समाज यहाँ रह रहे हैं और बड़ा प्यार का और बहुत अच्छा माहौल है। मुझे बड़ी प्रसन्नता देता है। सर, बजट के लिए भी कुछ मांग कर रहे थे 5 करोड़। बजट पहले पैसा आया हुआ है, वो खर्च हो रहा है और जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे और भी कोशिश करेंगे। बढ़ते आगे, भारतीय सेना के जवानों के लिए टोहाना के राम भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस समारोह में हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जबकि टोहाना के विधायक सुभाष बराला और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन करते हुए कहा कि जो रक्त देता है वो सबसे महान होता है और वो रक्तदाता जीवनदाता बन जाता है। इस अवसर पर उन्होंने देश के पीएम और हरियाणा के सीएम के कार्यों की प्रशंसा भी की। समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और डीपी वत्स ने भी अपना संबोधन देते हुए रक्तदाताओं को उत्साह बढ़ाया। मंच से बताया गया कि 1100 व्यक्तियों ने इस शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। फतेहाबाद के गांव बड़ोपल के सरपंच जोगिंदर पुनिया ने अपने समर्थकों सहित सांसद दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़ने का ऐलान किया। सांसद दुष्यंत चौटाला ने खुद गांव बड़ोपल पहुंचकर सरपंच जोगिंदर पुनिया और उनके समर्थकों का स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 9 दिसंबर को पार्टी की नींव रखी जाएगी। पार्टी के नाम को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि 5 नाम चुनाव आयोग को भेजे गए हैं, जिन पर 8 दिसंबर को फैसला होगा। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को पार्टी के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। वहीं पार्टी का किसी मौजूदा दल या पार्टी से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता संगठन को खड़ा करना है। संगठन की नींव रखने के बाद हम गठबंधन की दिशा में सोचेंगे। हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के सवाल पर सांसद ने स्पष्ट कहा है कि हमारी पार्टी 10 लोकसभा सीटों और 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बढ़ते आगे, जींद शहर के किसी भी गली सड़क में रात के समय अंधेरा नहीं रहेगा, बल्कि 8 करोड़ की लागत से पूरे शहर के हर वार्ड की सड़क पर अब रात में LED की दूधिया रोशनी से जगमगानी शुरू होगी और उम्मीद है लाइटें लगने के बाद आमजन को काफी सहूलियत होगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से रात में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। लाइटें लगने के बाद चोरी की इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी। फिलहाल शहर में अधिकतर पुरानी लाइटें लगी हुई हैं, जिनमें से अधिकतर लाइटें खराब हैं, जिनको लेकर हर रोज शहरवासी शिकायत लेकर उपायुक्त के पास पहुंचे। जिला उपायुक्त ने बताया कि शहर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बहुत खराब है, इसलिए शहर में पुरानी लाइटें की जगह नई LED लाइटें लगाई जाएंगी। एक स्ट्रीट लाइटिंग का शहर में आई डोंट नो आपसे मेंशन कर पाए कि नहीं कर पाए, ऑलमोस्ट 8 करोड़ का हमारा स्ट्रीट लाइटिंग का एस्टिमेट है, क्योंकि रोड्स की तो प्रोग्रेस ऑनगोइंग है, चाहे आपके मेजर हाईवे हो चाहे इंटरनल रोड्स हो। बट रात में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रीट लाइटिंग में हम काफ़ी एक तरह से लैगिंग बिहाइंड है, पुरानी हेलोजन लाइट लैम्प से या फिर कई चीजें है ही नहीं। तो 8 करोड़ से हमारे मेजर जितने भी स्ट्रेचेज हैं वो LED लाइट से कवर होंगे। आपने अच्छी मेमोरी। राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस शिविर में सुधार रस्तोगी डेंटल कॉलेज के डॉक्टरों ने मरीजों के दांतों की जांच की और उन्हें मुफ्त टूथपेस्ट और टूथब्रश वितरित किए। तो वहीं ट्रस्ट के प्रधान हुकुमचंद गोयल की माने तो डॉक्टरों ने टूथपेस्ट और टूथब्रश के देने के अलावा बच्चों को अपने दांतों की देखभाल और सुरक्षा के बारे में भी प्रेरित किया। प्रधान की माने तो उनकी संस्था समय समय पर इस तरह के कार्य करवाती रहती है और कई प्रोजेक्ट पिछले लगभग 2 दशकों से चले आ रहे हैं। 5 दिसंबर को गवर्नमेंट गर्ल स्कूल में एक विशाल सुधार रस्तोगी डेंटल कॉलेज के सहयोग से कैंप लगाया है, जिसमें बच्चों को दांतों से संबंधित जानकारियां दी गई, टूथपेस्ट ब्रश वगैरह बांटे गए। जिन बच्चों को ज़रूरत है उनका कल बस आएगी और इलाज करवा दिया जाएगा। उसका जो भी खर्चा होगा वो श्री श्याम बाबा सेवा ट्रस्ट देगा।
कैंप चल रहा है, हमारे दांतों के लिए चल रहा है, जिस जिसको प्रॉब्लम है इसकी प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए, और जिनको जिनकी जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर शायद ठीक हो जाएगी, मैम ने बोला, सर ने बोला है। और क्या क्या टिप्स बताए हैं डॉक्टरों ने दांतों को सही रखने के लिए? उन्हें बोला है कि सुबह भी ब्रश करना चाहिए, रात को खाना खाने के बाद जब सोते हैं सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। हमारा कॉलेज सरकारी और प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं हर जगह दांतों के इलाज के लिए और उनके चेकअप के लिए कैंप लगाते हैं। ये हमारा बेसिकली हम हफ्ते में 3 कैंप लगाते हैं, और अगर हमें स्कूल से खुद अगर हमें वो बोल देते हैं कि आप ज़रूरत है यहाँ पे बच्चों को हेल्थ चेकअप की, डेंटल हेल्थ चेकअप की, तो हम उस स्कूल में कैंप लगा देते हैं। यहाँ पर हम अराउंड 300 to 400 लोगों का चेकअप करने वाले हैं, और उन लोगों में जिनमें रिक्वायरमेंट है उनको टूथपेस्ट एंड टूथब्रशेस भी प्रोवाइड किए गए हैं, प्लस हर एक बच्चे को इंडिविजुअली ओरल हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड किया। एक्चुअली जो ये एज ग्रुप है 9 to 12 ईयर्स, और जो ये 9 to 12 क्लास में जो बच्चे हैं, ये वो वाला एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा टारगेटेड है ओरल डिसीजेज़ के लिए, बिकॉज ये वाला जो एज ग्रुप है इसमें सबसे ज़्यादा ओरल डिसीजेज होने के चांसेस होते हैं। जो बच्चे हैं वो तंबाकू वगैरह इन सब आदतों में पड़ जाते हैं इस एज ग्रुप में। सो बेसिकली ये चेकअप उन बच्चों को है अवेयरनेस देने के लिए कि वो इन सब आदतों में ना पड़ें, और जितना भी हो सके अपने दांतों का सफाई रखें, बिकॉज जितनी वो सफाई रखेंगे उनके दांतों में कोई बीमारी नहीं लगेगी। विश्व हिंदू परिषद जींद में शंखनाद नाम से धर्म सभा करने जा रही है, जिससे राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्मित किया जा सके। जींद शहर की पुरानी अनाज मंडी शंखनाद नाम से इस धर्म सभा का आयोजन होगा, जिसमें पूरे राम मंदिर के निर्माण को लेकर लोग इकट्ठा होंगे। जिला सह संयोजक योगेश ने कहा है कि समाज को बढ़ चढ़कर इस धर्म सभा में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाया जा सके। के हरियाणा प्रांत के कुछ जिले दिल्ली जाएंगे और बाकी जिले अपने अपने स्थान पर हिंदू पूरे हिंदू समाज की सनातन समाज की आर्य परंपरा को आवाज बनकर और शंखनाद के नाम से एक धर्म सभा का आयोजन करेंगे। इसी कड़ी में अपने जींद जिले की धर्म सभा इस आने वाले शनिवार 8 दिसंबर 2018 को जींद नगर की पुरानी अनाज मंडी में आयोजित प्रातः 11 बजे की जाएगी। बढ़ते आगे खबर गुलेचिका से। एक और सुधार कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रॉकी मित्तल ने गुलेचिका के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए रियलिटी चेक के बाद पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों और हरियाणा सीएम से इस मामले के बारे में अवगत कराने को कहा था। इसी के एक दिन बाद दुर्गा शक्ति महिला पुलिसकर्मी गुलेचिका पहुंची। दुर्गा शक्ति की महिला सुरक्षा अधिकारी सुनीता ने बताया कि उन्होंने चीका के सरकारी स्कूलों को और कॉलेजों में जाकर मौजूद छात्राओं को दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि इस ऐप में अपना फोन नंबर रजिस्टर करें ताकि अगर कोई मनचला उन्हें तंग करे तो तुरंत महिलाएं दुर्गा शक्ति ऐप के माध्यम से वो तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। जब इस मामले में छात्राओं से बात की गई तो उन्होंने भी दुर्गा शक्ति ऐप महिला पुलिसकर्मियों की बातों को सराहा और उनके बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा ली। लड़कियाँ अच्छा महसूस कर रही है भाई, दुर्गा शक्ति आई है अपने चीका में, बाकी इनको नहीं पता। हम 2 राउंड लेते हैं, हफ्ते में 2 बार आते हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, ना कोई आवारागर्दी हो रही है ना कुछ है, मन चलो को पकड़ते हैं। आज कौन कौन से स्कूल में गए हो? आज गुला स्कूल है, एक डीएवी कॉलेज है, एक चीका गर्ल स्कूल है। हमें यह महसूस हुआ कि हरियाणा सरकार ने लड़कियों के लिए जो भी योजनाएं शुरू की हैं उससे लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा वो मिला है, योगदान मिलेगा, इससे लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। यदि बस या किसी भी और जगह जाते वक्त यदि किसी लड़की के साथ कोई हादसा होता है या कोई लोग उनके मदद नहीं करते, तो हरियाणा सरकार द्वारा जो योजनाएँ जारी की गई हैं उनका प्रयोग करके लड़कियाँ अपनी शक्ति का दुर्गा शक्ति का प्रयोग कर सकती हैं, इससे उन्हें बहुत ही आगे बढ़ने का लड़कियों को जागरूकता मिलेगी। बढ़ते आगे महेंद्रगढ़ में दैनिक रेल महासंघ ने गाड़ी संख्या 54309 और 54310 को वाया महेंद्रगढ़ सदलपुर हिसार तक विस्तार करने के लिए रेल मंत्री के नाम लिखा ज्ञापन स्टेशन मास्टर धर्मपाल को सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद समाज सेवी राम निवास पाटोदा ने बताया कि महेंद्रगढ़ सदलपुर हिसार तक विस्तार करने के लिए हमने स्टेशन मास्टर धर्मपाल को ज्ञापन सौंपा है। यह गाड़ी दिल्ली से चलकर रेवाड़ी जंक्शन पर कई घंटे खड़ी रहती है। इस गाड़ी का हिसार तक विस्तार हो जाए तो दक्षिण हरियाणा और राजस्थान की जनता को बहुत फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस गाड़ी का प्रपोजल जयपुर जोन के पास होकर रेलवे बोर्ड नई दिल्ली से पिछले महीने से भेजा गया था। रेलवे बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए जयपुर जोन को गाड़ी को विस्तार करने की अनुमति भेज दी गई थी।
लेकिन राजस्थान में विधानसभा चुनाव के कारण इस ट्रेन का आज तक विस्तार नहीं हो पाया है। स्टेशन मास्टर धर्मपाल ने बताया कि गाड़ी के विस्तार के लिए यह जो ज्ञापन हमें सौंपा गया है, इसको हम अपने उचित माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे। उसके बाद जो कार्रवाई होगी या इसके बारे में जो भी हमें सूचना मिलेगी हम आपको बता देंगे। हमने एक गाड़ी जो रेवाड़ी खड़ी रहती है उसको वाया महेंद्रगढ़ हिसार तक करने के लिए एक ज्ञापन दिया है। क्योंकि इस गाड़ी के लिए धर्मवीर सिंह ने कई बार चिट्ठी लिखी और हम भी रेलवे बोर्ड में गए, जयपुर गए और हमने ये पूरा आश्वासन मिलता रहा, 4-5 महीने हो गए कि आपकी गाड़ी जल्दी जल्दी हम आप विस्तार कर देंगे और आज तक ये गाड़ी विस्तार नहीं हुई। अब हम मजबूरी ने 15 तारीख के बाद लोहारू से लेकर नांगल बूंदी तक हम सभी स्टेशनों पर धरना और प्रदर्शन शुरू करेंगे। इसलिए हमने ज्ञापन दिया है कि हमारी ये मांग जल्दी जल्दी पूरी करें, अन्यथा हम मजबूर होकर धरना प्रदर्शन 15 तारीख के बाद शुरू करेंगे। श्री पटौदा जी ने जो गाड़ी के विस्तार के लिए दिया है, इसको हम अपने उचित माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों को बीकानेर या जयपुर दोनों जगह भेजेंगे। उसके बाद जो कार्रवाई होगी या उसके बारे में जो हमें सूचना मिलेगी वो आप सब लोगों को बता दी जाएगी। बढ़ते आगे, राजस्थान से नवजोत सिंह सिद्धू की रैली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की आग अब धीरे धीरे हरियाणा में पहुंच गई है, जिसको लेकर नागल चौधरी में युवा क्रांति संगठन के सैकड़ों युवाओं ने शहर के कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर शहर में नवजोत सिंह सिद्धू की शव यात्रा निकाली। शव यात्रा अनाज मंडी से शुरू होकर बाजारों में से होती हुई मेन अस्थायी बस स्टैंड पर पहुंची, जहां युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सिद्धू का पुतला जलाकर जमकर सिद्धू मुर्दाबाद और देशद्रोही के नारे लगाए। साथ ही सरकार और उनकी पार्टी से उन पर कार्यवाही की मांग की। पूरे देश के अंदर हाहाकार मच रहा है, पाकिस्तान जाके मित्र के बहाने और हमारे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी जो एक दिन प्रतिदिन उसकी ऊर्जा युवा शक्तियों द्वारा बढ़ाई जा रही है, उस सारी ऊर्जा के ऊपर पानी फेर रहा है। ये किसी धर्म का नहीं है नवजोत सिद्धू, ये इसने यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जन्म लेके और पाकिस्तान के नारे कल अलवर के अंदर दिखाया था, वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाता है। ऐसे देशद्रोही की तो किसी भी धर्म के अनुसार अच्छी तरह क्रिया ही नहीं होनी चाहिए। अगर सिद्धू को एक बार तो पाकिस्तान का इतना ही प्रेम है तो पाकिस्तान में जाकर बस जाए, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कार्रवाई नहीं होने देंगे, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने। बल्लभगढ़ में शिव कॉलोनी में बनाई जा रही गोकुल धाम सोसाइटी को तोड़ने गए प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में पीले पंजों से मामूली तोड़फोड़ कर सोसाइटी को धाराशाही करने का मामला यह कहकर टाल दिया कि अभी मशीनें मंगवाई गई हैं और शाम तक मशीनों का इंतजार करेंगे। तो वहीं मौके पर पहुंचे ज्वाइंट कमिश्नर अमरदीप जैन ने बात की तो उन्होंने गैर जिम्मेदार बात करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह सोसाइटी किसकी जमीन पर बनाई गई और किसकी है। काम कार्रवाई की जा रही है, तोड़ा जा रहा था, प्रोग्राम जाम किया जा रहा है, प्रोग्राम मिलते ही इसको तोड़ दी जाएगी और हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश करेंगे प्रोग्राम को तोड़ दी जाएगी। जॉइंट कमिश्नर साहब, 4 मंजिला इमारत बन चुकी है, क्या निगम के आज तक भी संदर्भ में नहीं थी? जैसे संदर्भ में जैसे संदर्भ में एकदम फिर उससे कार्रवाई की गई है। जो फ्लैट बन रहे हैं सर, किसकी जमीन पर है ये नहीं बता दी सर। यहाँ से 10 कदम की दूरी पर बाहर जो जगह कब्जे की जगह है, इस पर 3 बार कार्रवाई हो चुकी है, तोड़ी भी जा चुकी है लेकिन फिर से कब्जा हो चुका है। जो हमें नोटिस फेस की जा रही है, ये देखिए मैंने अभी चेक करवाया किसी जमीन और कौन से बना रहा है ये। सर, इस फ्लैट के साथ में दूसरा फ्लैट और बने हुए हैं, वो कंपलसरी कंप्लीट हो गए हैं और लोग उसमें रह रहे हैं, तो वो भी क्या वो पहले के बने हुए हैं इसके बारे में पता नहीं है मुझे। सर, जोड़ फोड़ के पीछे कोई राजनीतिक कारण भी है क्या? नहीं, कोई कारण नहीं है। अभी जो बिल्डिंगों का जो ये अभी तोड़ने का है, प्रशासन कब तक जाएगा? क्या तोड़ करके ही जाएगा या फिर आज टाल दी गई है? प्रोग्राम नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोग्राम इंजाम किया जा रहा है, प्रोग्राम से कार्रवाई की जाएगी। सर, एक तोड़फोड़ करने पहुंची है निगम की टीम, आप यहां एज ए मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, लगता है कि एक फॉर्मेलिटी यहां की गई है तोड़फोड़ की, फॉर्मेलिटी के तौर पर की जाइए, मतलब डेमोलेज नहीं की गई पूरी? इसको डिमोलिज करने के लिए पॉकलेन मशीनें आ रही हैं दो। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।